I'm Shlok. And I'm Deepika. And welcome back to our channel, What the Fam. Oh my God. So guys, आज तो भाई हम आ ही गए हैं अल्टीमेट कंटेंट पे. हाँ, लाइक दिस इज समथिंग आई थिंक जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है अगर हम ज्यादा करेंगे ये चीज. एंड इट इज ट्रेलर रिएक्शंस. लाइक हमेशा पता हम बात करते थे कि काश हम ट्रेलर रिएक्शंस कर पाए. एंड हमें फिर बहुत लोगों ने इस मूवी का सजेस्ट किया वेरी मच एक्साइटेड बिकॉज दिस इज वन ऑफ योर फर्स्ट पाकिस्तानी मूवी एंड मूवी ट्रेलर का रिएक्शन. तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हम लोग बिकॉज ऑब्वियसली मूवीज अलग ही होते हैं. एक्चुअली मूवी सबसे सॉर्टेड चीज होती है. सीरीज को बहुत टाइम देना पड़ता है. या एग्जैक्टली मूवी 2 घंटा 2.5 घंटा डन खत्म. बट यार ये 2018 में आई है. या तो हम 3 साल लेट है. ओके, हम 2021 में है. एंड इट हैज अली जफर. सो थैंकफुली हम स्टार कास्ट में से जो मेल एक्टर है उनको तो हम अच्छे से जानते हैं. बहुत अच्छे से जानते हैं यार. आई थिंक हम पहले दिखते उसके बाद बात करते. वही गाइस लेट्स स्टार्ट. नहीं नहीं भाई साहब, मैं ये काम नहीं कर सकता. और क्यों नहीं कर सकता? और तू क्या पहली दफा किसी को उठा रहा है? अभी तूने लड्डू उठाया. भाई साहब लड्डू में और लड़की में बड़ा फर्क होता है. तुम मेरी बेटी हो और मैं हाँ कर चुका हूँ. मैं ये शादी नहीं कर सकती डैड. अब्बा जी, मैंने आज तक आप लोगों से कुछ नहीं मांगा. पहली बार एक चीज मांगी थी. बेबी को लुक चाहिए. वो भी आप लोग मुझे नहीं लेके दे सके. बिल्लू बट आनिया से शादी करेगा. मेरा मजाक उड़ रहा है. मेरे और तुम्हारी माँ के ख्याल में इससे बेहतर लड़का नहीं मिल सकता. लो जी आज मैं हूं तैयार. ओए मेरा शहजादा यूरोप जा रहा है. आइए. अरे सेट है. वो नहीं लगा था कि तू आ गया. अरे साला ही था. पार्टी करा दे. धोनी प्लान क्या है? ऐसा सॉलिड प्लान बनाया है कि तू सारी जिंदगी याद रखेगी. आज तक जिसने भी उस मेंशन में बगैर इजाजत घुसने की कोशिश की है वो जिंदा वापस नहीं आया और तू भी नहीं आएगा. माँ की बात सुन ले. ये काम छोड़ दे. मतलब तू अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर आएगी. ओ मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी. जो करना है करवा दे. मेरे पास अब दोनों के लिए एक ऑफर है. Buy one, get one free. offer. Thank you. But sab under control hai. Bas ek chota sa masla hai. Meri beti kahan hai? Poochna to banta hai. Ki koi cheez control mein nahi aa rahi. Oye, 6 kutte ho ya 26 kutte. Oye, 20 guard ho ya 20 lakh guard. Oye, abhi andar ja aur utha kar le aao se idhar. एक मिनट. अच्छा चल मार ले. तुम कौन हो? मैं आयरन मैन. भाई फीफा तो ट्रबल में. यशराज फिल्म्स. यशराज
यशराज पाकिस्तान में भी फिल्म्स बनाते हैं। वाओ। एंड पता है मुझे ना, मैं बोलने भी वाली थी, ये पूरा देख के ना काइंड ऑफ अपने काफी सारे मूवीज ऐसे टाइप, मतलब एक्शन एंड कॉमेडी, ये जो एक मिनट रुक, अच्छा मार ले, ओह माय गॉड, नाइस, या रियली लाइक दैट, लाइक वाओ। टीफा तो भाई ट्रबल में है, दिख रहा है बहुत मजा आने वाला है इसमें, बिकॉज काफी कॉमिक सा है ये, एंड अली जफर का कॉमिक हम लोग देख रहे हैं, ही इज वेरी गुड एट इट, आई लव द एक्ट्रेस, इट्स माया अली, वाओ शी लुक्स सो प्रिटी, एंड सो प्रिटी, सो बोल्ड, उनको एक टिपिकल हीरोइन नहीं बनाया, ये मार तोड़ टफ रफ वाला एक बोल्ड कैरेक्टर दिया जो बहुत अच्छा लगा, मतलब किसी को, दैट्स द रियलिटी, इट हैज टू बी द रियलिटी, या एंड फिर इसके शॉट्स भी बहुत अच्छे थे यार, जो ओपनिंग शॉट था वो जब जब बहुत ड्रामेटिक सा ट्रेलर था, बहुत सिनेमैटिक सा एकदम, इट वाज वेरी नाइस, सारे जो दूसरे भी शॉट्स थे, ट्रेलर्स कितने अच्छा लगता है, पूरी स्टोरी कितनी क्लियरली बता रहे हैं, एग्जैक्टली, रिचा कभी ट्रेलर्स नहीं देखती है, हम कभी मूवी देखने जाएंगे तब भी ये बोलती है ट्रेलर्स नहीं देखना, और मुझे हमेशा होता है ट्रेलर देखते हैं जज करते कि जाएंगे नहीं जाएंगे, रिचा इस मजा क्या आएगा, फिर सबको पता है वो जाने वाला है यूरोप, फिर वहां से लेकर नहीं आ पाएगा, तो बोलेगा दो कुत्ते हो या 26 कुत्ते हो, फिर वो लेकर आएगा, ठीक है इन लोग की लव स्टोरी कैसे होती है, होगी तो सही, वो हमेशा एक्साइटिंग पार्ट होता है जब दोनों कैरेक्टर, मतलब एक कैरेक्टर को पसंद होता है, एक कैरेक्टर को बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो वो दोनों के कॉमिक्स भी बहुत अच्छे होते हैं, जैसे वो बोले माई वन गेट वन वाला, वो भी काफी अच्छा था, एंड फिर मैं बहुत श्योर हूँ कि इसकी जो कास्ट है ना बहुत ही कड़क रहेगी, इसमें एक को तो हमने इतना ज्यादा देख रखा है इंडिया में, उनको में भी देखा था, यस यस वही तो, इसलिए हम उनको अब तो काफी जानते हैं, बट पता है ऐसी, और ऐसी मूवीज में ना कुछ कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है ना फिक्स होते हैं कि भाई इस पे ये ही जचेगा, exactly. इस पे ये ही जचेगा, वो ना मतलब रिप्लेसेबल नहीं होते, वो जचे हुए रहते कि भाई इस पे ये जम रहा है, पापा है ये, हाँ. ना, पापा ही बनाने वाले हैं, हर एक में जो कॉमिक, मतलब एक और जो अंकल टाइप दिखाए थे, उनका कैरेक्टर भी कितना ज्यादा सूट हो रहा था कि हाँ, और पूरा ट्रेलर बोले ना, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक बहुत फन था, उसकी वाइब्स बहुत अच्छी थी, मुझे माया अली को देखना है, वेरी एक्साइटेड टू वॉच हर, उनकी ड्रेसिंग भी कितनी कूल बताई है, एकदम कैजुअल एंड चिल, या एक टिपिकल, जैसे हमने बात की, एक टिपिकल उनको एक हीरोइन नहीं दिखाई, उनको दिखाया कि एकदम बोल्ड कैरेक्टर है, शी इज हरसेल्फ, एंड जैसे पूरा स्टोरी लाइन जैसे जैसे जाता है वो ज्यादा ज्यादा पसंद आने लगता है, मुझे लगता है बहुत लाइट हार्टेड सी मूवी हो गई है, इट्स नॉट वेरी स्टोरी स्टोरी की, हाँ ठीक है बहुत तोड़ फोड़ स्टोरी है, बट इट्स अ वेरी लाइट हार्टेड मूवी, कॉमेडी मूवी विद एक्शन, ये बहुत, हाँ विद एक्शन, और इसमें एक्शन सीन्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे जितने दिखे ना, हमने इंडिया में अली जफर को जितना देखा है वो बहुत एक क्यूट चॉकलेट बॉय टाइप, हमने रिसेंटली पता है वो मूवी देखी थी, कौन सी थी, उसने देखी थी डियर जिंदगी, ओके, तो उसके अंदर आई डिडंट न्यू कि अली जफर का भी उसके अंदर कैरेक्टर है, मैंने वो फर्स्ट टाइम मूवी देखी थी, लिए दिल पे घलने लगा है वो कौन है, मैंने फर्स्ट टाइम वो गाना सुना है, लेकिन वो इतने क्यूट, एंड उनका वो फेस है पता है, क्यूट सा चॉकलेट बॉय सा, क्योंकि एक होता है ना, आई डोंट नो, आई कांट से वेरी मच कि ये बहुत ही सीरियस रोल के लिए इंसान है, बट इतना जरूर पता है कि कॉमिक रोल्स के लिए बेस्ट इंसान है, बेस्ट सूटेड, एंड आई गेस इट्स अ वेरी ह्यूज कॉम्प्लीमेंट फॉर एनी एक्टर, क्योंकि बहुत टफ होता है कॉमिक रोल, मुझे हमेशा अक्षय कुमार की कुछ लाइन याद आती है कि रुलाना बहुत इजी है किसी मूवी में, आप बहुत इजीली किसी को थोड़े आंसू, लेकिन आप जब किसी को हंसाते हो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, क्योंकि काफी बार होता है हमें फनी लग रहा है लेकिन सामने वाले को लग ही नहीं रहा है, तो इट मतलब वो हंसाने वाली चीज, जो भी हंसाने वाला एक्टर है, इसलिए हम पता है जॉनी लिवर ये लोग को इतना मानते हैं, सच में जॉनी लिवर ये सब तो भगवान है यार, वो होती है एक्टिंग, एंड आई लव इट कि जब भी कोई कॉमिक रोल एकदम स्ट्रांगली पूरा जैसा उसको होना चाहिए वैसा वो आ जाता है आगे, exactly. बहुत ही सही होता है वो देखना, और जो कॉमिक जो रोल्स होते हैं, जो भी मूवीज होते कॉमिक रोल्स वाली, कॉमिक मूवीज उसमें जो कॉमेडी मूवीज होती है जो कॉमिक रोल्स होते हैं कंटिन्यू उसमें यार वो कैरेक्टर्स फिक्स होते हैं कि इसमें यही करेगा, आप लोगों ने अगर सिंघम देखी है तो उसके अंदर जो वो बने विलन बने उनका नाम मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन वो कितने मतलब वांटेड में
गोलमाल में भी अपना गोलमाल में भी, लेकिन मैंने उनको फादर रोल्स में देख रखा है साउथ इंडियन मूवीज में, वो उसमें साउथ ये सब रोल्स में आते। मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि तेरे घर पे साउथ इंडियन बहुत साउथ इंडियन मूवी देखते हैं। मैंने उनको सबसे पहले आई थिंक मैंने उनको वांटेड में देखा था, मतलब ऐसे एकदम भाई मतलब बोलो कि एक्टिंग कुछ जैसे ही बोल रहे, कुछ लोग होते हैं कि वो रोल उन्हीं पे जाए एकदम ऐसे फिक्स रहता है। एंड यहाँ पे आई गेस एक है राजपाल यादव, हाँ, नाम क्या है, जॉनी लिवर, ये सब एकदम फिक्स है, उन जैसा कोई कर ही नहीं सकता ये काम। यस कॉमिक वाले और सबके लिए जो बहुत ही ज्यादा अच्छे एक्टर्स है, इट्स अ ह्यूज हैट्स ऑफ, अ ह्यूज सैल्यूट, बिकॉज़ इट्स नॉट इजी। आल्सो अली जफर को जैसे इसमें एक्शन में दिखाया है, बट वो इसमें देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ यार ये एक्शन हीरो है। एक तो सूट में बड़े अच्छा लग रहा है, वो व्हाइट सूट उनकी, टाइगर श्रॉफ से थोड़ा रिसेंबल नहीं कर रहा एक्शन के टाइम, वो जैसे फोन का एक दो शॉट वो अभी नहीं पता चल रहा है, वो पूरी मूवी देखने के बाद पता नहीं चलेगा। उनका फेस वाइज मुझे वो ज्यादा रिसेंबल, क्योंकि बॉडी टाइप टाइगर श्रॉफ भी थोड़े पतले पतले, मतलब दोनों का फेस कट थोड़ा मैच करता है, पतले नहीं है, स्ट्रांग बॉडी टाइप बोल रहे हो, मतलब नॉट सो टॉल लेकिन क्यूट, मतलब ऐसे थोड़ा अच्छे दिख रहे थे बेसिकली। आप समझ रहे हैं ना, आज थोड़ा सा आप समझ भी जाते हो, वही थोड़ा ब्लरी है आज, बट यस द कास्ट डिड अ ग्रेट जॉब, मतलब काफी अच्छा लगा, सबने अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया है। एंड ऑनेस्टली आई एम वेरी एक्साइटेड टू चेक इट आउट। हम अगर ठीक है, हम तो खुद वैसे सर्च करने ही वाले, बट आप भी बताओ, इज इट ऑन नेटफ्लिक्स और ऑन व्हाट, ऑन यूट्यूब? ऑन यूट्यूब, यशराज की मूवीज तो कभी नहीं आएगी भाई, तुम्हें बताइए कहाँ पे है ये मूवी। एंड अगर किसी ने देखा हमें उसके रिव्यूज दो कि कैसे टाइप की, सिर्फ रिव्यू। अच्छा चलो ठीक है, स्टोरी भी दे दो, इस बार कुछ छुपा हुआ नहीं है। हाँ एक्चुअली स्टोरी हमें पता है, नहीं यार फिर भी खाली नहीं स्टोरी नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है आप लोग अपना ओपिनियन बताओ, मूवी कैसी है, हमें देखनी चाहिए, कब देखनी चाहिए, कौन ज्यादा पसंद आया आपको, अली जफर और माया अली? आई थिंक अली जफर को मैंने बहुत देखा था, माया अली बहुत शी लुक्स वेरी प्रिटी, वेरी क्यूट। एक तो इन लोग की आंखें, हम लोग बार बार बोल बोल के थक जाएंगे कि आंखें तो भाई दिए जो दिए इतनी बड़ी सीधी। मुझे उनका एक शॉट बहुत अनएक्सपेक्टेड था, जब वो कार में मतलब यू नो रैश ड्राइविंग कर रहे थे, एक सीन था एंडिंग में जब उन्होंने अचानक से यू नो ऑल फ्रॉम क्यूट बबली बोल्ड टू लाइक एक्शन, हर ओपनिंग सीन वाज बॉटल फोड़ने वाला, सो दैट वाज ऑलरेडी फन। वो तो बॉटल फोड़ने वाला तो कड़क था, क्या दिया था फट करके यार, मेरे स्ट्रांग कैरेक्टर्स बहुत मस्त थे, फिर पब्लिक ऑफेंड हो जाएगी, ये तो टूटेगा भी नहीं, सीरियस क्यों It was good, मजा आया देख के, and thank you so Very much. Very excited, हमारी first पाकिस्तानी movie. Trailer. देखेंगे. Thank you. Yeah, bye bye. Take care, stay safe and bye guys. कैसा लगा बताओ? Yes. ठीक है. ठीक है. Like, subscribe, comment. ठीक है. Bye.